जनरल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। और जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताए थे, लगभग 2 क्वेश्चन बताए थे। और रीजनिंग के जो ट्री है, ट्री मतलब कि जो रीजनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया था। तो आज हम रीजनिंग के लगभग 4-5 क्वेश्चन करेंगे और लगभग 3 दिन इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। 5-5 क्वेश्चन 3 दिन करेंगे। और ये जो भी 5 क्वेश्चन करेंगे वो पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा इस यहाँ पे क्या है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, ओके। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी। और जो भी मेरा वीडियो देखा करें वो प्लीज़ शेयर किया करें। देखिए क्या है कि जब आप शेयर करोगे, तो अगर आप शेयर करोगे तो क्या होगा कि कोई और देखेगा। तो मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर दोस्तों धीरे धीरे जब फैलेगा, कुछ अर्निंग होगी, कुछ पैसे आएंगे, कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, तो क्या होगा कि मैं भी अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। और इसमें हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो देखिए क्या है कि मुझे अकेले शूट करना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं छोटा लिख रहा हूँ कि बड़ा लिख रहा हूँ, है ना। तो चलिए वो सब छोड़ दें, आते हैं आज हमारा जो लेसन है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का, ओके। थोड़ा सा आज मैं बड़ा बड़ा लिखूँगा, ठीक है। आज ब्लड रिलेशन के बारे में समझेंगे। खूनी रिश्ते, ओके, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं खूनी रिश्ते। देखिए जो ब्लड रिलेशन है, इसके क्वेश्चंस को अगर मैं बात कर लूँ तो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और हमारी ये क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, सी माता है, ओके। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये मैं बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ आया हुआ है। क्वेश्चन है कि सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की। देखिए पहले से कुछ हैंडराइटिंग में सुधार हुआ है हमारे, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा क्या है कि इस तरीके से जाती थी, अभी थोड़ा सीधे जाएगी, फिर धीरे धीरे कभी बड़ा लिखूंगा। तो धीरे धीरे कोई व्यक्ति सीखता है तो उसको धीरे धीरे आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि सी माता है ए और बी की, ओके। और आगे दिया है कि यदि डी पति है बी का, यदि हो गया ना, उसके बाद हो जाएगा कि यदि डी पति है, डी पति है किसका, डी किसका पति है, डी पति है बी का, ओके, डी पति है बी का, ओके। तो सी, तो सी कौन है डी की, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2013 में इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको समझना है। देखिए इसमें क्या है कि जो सी है, ओके, सी माता है ए और बी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को हल करोगे, ओके, तो आपको हल करने से पहले क्या करना होता है कि इन सभी को समझना होता है थोड़ा सा दिमाग में, और जिस तरीके से ये कह रहा है उसी तरीक़ों से आपको इस पर, मतलब जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा पेज रहेगा, या तो अपने माइंड में आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सी माता है ए और बी की, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर पीढ़ी ऊपर रहेगी आपके माता पिता तो ऊपर ही रहते हैं आपके, सी माता है ए और बी की, ये दोनों, ए दो, अब ये कंफर्म नहीं है कि ये भाई है कि ये बहन है, ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ए और बी की, सी क्या है, माता है, ओके। आगे बोला है कि यदि डी पति है बी का,
तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पति पत्नी की बात आए तो देखिए यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये पति है और ये पति है, इसका मतलब कि ये इसकी बहन हुई, है ना, कंफर्म हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ बी तक का मैटर समाप्त हो गया हमारा। तो सी कौन है डी का, जैसे पूछा कि सी कौन है डी का। देखिए सी कौन है डी का मतलब सी और डी का संबंध पूछा जा रहा है। अगर सी की बात कर लें तो सी डी की क्या लगेगी, सास लगेगी, है ना, है कि नहीं। देखिए चूंकि अगर ये इसकी बेटी है ना, बेटी के जो पति होता है और बेटी की जो माँ होती है उसके पति की क्या लगता है, सास लगती है ना, और आपकी नानी लगती है ना। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपका कि इसका क्या जो संबंध है, तो इसका संबंध हमारा हो जाएगा कि सी डी की सास है ना। ऑप्शन में यही दिया होगा कि सी डी की सास है, सी डी की मतलब सी डी की माँ है, इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप आई थिंक बारीकी से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ओके। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। ये देखिए बोर्ड भी हिल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाता हूँ कुछ थोड़ा सा हट के, ओके, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूँ आपको कि इसमें हटने की बात क्या है ना, जैसे कि मैं इसमें लिखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको दिक्कत होती है। क्या है कि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं डायरेक्टली इसे देख देख के लगाता उसको, तो आपको समझाता भी, और इस पर लिखूँगा फिर आपको समझाऊँगा, तो टाइम तो लगेगा ना दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए और समझिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि सुनील केशव का पुत्र है, ओके, सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन, ओके, केशव की बहन कौन है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र, उसके बाद क्या है, पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ आपको, उसके बाद भी है, ये हो गया। उसके बाद पूछा है कि प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम मारुति का क्या है, प्रेम मारुति का मामा है, ओके। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, तो मुझे पता है थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वैसे मैं लिख रहा हूँ तो मुझे पता है। इसके आगे देखिए मामा है, बस हो गया है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है, बस यही, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। आप किसी और को किसी और की क्लास लीजिएगा, ठीक है ना, किसी और की क्लास ले लीजिएगा, और आप देखिएगा कि वो इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाएंगे, और समझाएंगे भी तो एक घंटे की क्लास में आपको केवल दो क्वेश्चन। चलिए मैं आपको पांच क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए बोला है कि सुनील केशव का पुत्र है, तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली हल करो, तो सुनील किसका पुत्र है, केशव, तो ऊपर कौन आ जाएगा, केशव, ओके, पुत्र कौन है, सुनील, सुनील जो है
वो केशव का क्या है, पुत्र है। ओके, केशव की बहन सिमरन। अब इसकी बहन कौन है, वो है सिमरन। ओके, इसको आप चाहे तो इस तरीके से ले सकते हो। देखिए अगर पति पत्नी होंगे तो इनके बीच में इस तरीके से हो जाएगा, है ना। भाई बहन है तो इनके बीच में एरो का निशान नहीं लगेगा। यहाँ तक हो गया मैटर सॉल्व। इसके बाद सिमरन है, उसके बाद सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। अब इसके पास दो बच्चे हैं। ओके, एक तो मारुति है और एक क्या है, सीता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये लड़की है और ये लड़का है, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ तक मैटर सॉल्व। अब प्रेम मारुति का मामा है। ओके, देखिए प्रेम क्या है, मारुति का मामा है, मतलब कि इसका भाई हुआ, है ना। हाँ, इसका भाई हुआ तो इसको हम बोलेंगे प्रेम। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो केवल दो लोग की बात हुई थी, ये प्रेम कौन सा है। देखिए यही तो क्वेश्चन है, इसी को तो करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को इसी को करना है, यही सब कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहाँ प्रेम हो गया, प्रेम मारुति का मामा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट देखिए एकदम टॉपिक वाइज क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हो गया, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है। अब देखिए मारुति है ना और ये सुनील, इसके बारे में बात की गई है, इन दोनों के बीच का संबंध पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी ऑलरेडी। तो देखिए जिस प्रकार से सिमरन इसकी बहन हुई केशव की, तो सुनील क्या हुआ कि ये जो सिमरन है ना, तो सुनील की क्या हुई बुआ, और इसके जो बच्चे हैं इसके क्या हुए कजिन, है ना, मतलब एक तरीके से कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो अगर मैं आंसर की बात कर लूँ तो आंसर देखिए एकदम सिंपल मैंने बता दिया कि जैसे कि कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर होंगे, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सुनील मारुति का क्या है। देखिए सुनील, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, सुनील मारुति का ममेरा भाई है। ओके, ममेरा भाई। ओके, चूँकि देखिए ये इनकी, देखिए ये इनके पिताजी हैं और इनकी बहन जो है वो बुआ लगेगी, है ना, तो इनके बुआ का जो बच्चे रहेंगे वो इनके ममेरे भाई होंगे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे तो लगता है 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि मोबाइल में रिकॉर्ड करना होता है और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत बड़ा एमबी का हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि रघु तथा बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, रघु तथा बाबू जुड़वा भाई है। ओके, रघु तथा बाबू क्या है, जुड़वा भाई है। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है। ओके, रीमा का पति राजन है, ये तो हो गया, चलो यहाँ से लिखते हैं, रीमा का पति क्या है, राजन है। रीमा का पति कौन है, राजन है। उसके बाद रघु की माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति राजेश है। रघु की माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति कौन है, पति राजेश है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको डरने का कोई बात नहीं है, आप केवल दो तीन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूंगा ना, तो आपको क्या होगा कि आप जिस तरीके से बोलेगा खटाखट अपना नीचे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ राजेश तक बात हुई, राजेश के बाद क्या है तो पूछा है कि राजेश और राजन का क्या रिश्ता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि राजेश और राजन का क्या रिश्ता है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना लेट किए, ये तो खुद ही लेट हो गया है ऊपर से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के देते हैं। रघु और बाबू जुड़वा भाई है, ओके। तो यहाँ पे रघु हो गया और ये हो गए बाबू, ये दोनों क्या हैं भाई भाई। बाबू की बहन रीमा, ये बाबू है तो इसकी बहन कौन है रीमा, ओके। ये सिस्टर हो गई और ये हो गए भाई साहब, ओके। ये दोनों भाई साहब हैं, ओके हो गया। रीमा का पति राजन, अब इसका पति कौन है, अभी जब पति की बात आए तो इस तरीके लगाएगा, ठीक है। और ये हो गए राजन, ये हैं पति जी इनके, ओके ठीक है। यहाँ तो सॉल्व हुआ। रघु की माँ लक्ष्मी, ये दो जो खुद रघु हैं इनकी माँ कौन है, लक्ष्मी है, ओके। तो माँ को जब भी कोई लड़की की बात हो तो आप गोला बनाओगे, ओके। लक्ष्मी का पति कौन है राजेश, तो इनके पति के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब ये है राजेश जी। और राजेश को आप इस तरीके से डिवाइड कर दो कि यहाँ पे पति पत्नी हो गए, इसलिए आपने एरो का चिन्ह लगा दिया। अब राजेश और राजन के बारे में पूछा गया है, ये राजेश हो गए और ये हो गए इनके राजेश। सिंपल है कि अगर ये इनका बेटा हुआ तो इनका बेटा हुआ, तो मैंने इनका बेटा हुआ ये राजन, तो अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो एक दूसरे के क्या हुए, ये भी इनका बेटा ही हुआ है ना। अगर और ये इनकी बहन हुई तो मतलब कि ये इनकी लड़की हुई, ओके। अच्छा, इनकी लड़की हो गई तो इनके पति क्या है राजन है, और राजन जो है इनके जो पिताजी हैं, ठीक है, इनके बीच में संबंध पूछा है। तो सिंपल है, राजेश और राजन के बीच में जो राजेश हैं, ठीक है, जो राजेश है वह राजन का क्या लगेगा, ससुर, ओके। राजेश राजन का क्या लगेगा, ससुर। अगर यही पूछ देता कि राजन का संबंध राजेश से क्या है तो हाँ, राजेश क्या लगेगा, राजन का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। और यही पूछता राजन का संबंध राजेश से क्या है तो आपको क्या करना होता कि जो राजन होता, राजेश का संबंध, इसको क्या पूछा कि राजेश और राजन का क्या संबंध है, जो राजेश जो है राजन का ससुर लगेगा, और राजन राजेश जो है राजन को अपना दामाद भी कह सकता है, ठीक है। या तो ससुर ऑप्शन में दिया होगा या तो दामाद, ये दो चीज़ें दी होंगी, है ना। तो चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कि राजेश और राजन का क्या संबंध है तो राजेश राजन का ससुर लगेगा, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। आज की क्लास में हम तीन क्वेश्चन समझाए, आपको कल क्लास के और भी तीन क्वेश्चन समझा देंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले सकते क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2012 में, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक बार अगर देखिएगा तो उसको मुझे प्लीज़ बताया करिए आप, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी रहेगी, लेखपाल की, है ना। लेखपाल की क्लास नहीं चली हुई है, योजनाओं की क्लास है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप प्लीज़ उसको लीजिएगा। योजना से मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका 12 से 13 नंबर एकदम क्लियर करवा दूँगा, ओके, योजना से। उसके बाद जब UPGK चलेगा हमारा तो उसमें से 12-13 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो हिंदी वगैरह है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए सॉरी चाहूँगा। जो ग्रामीण प्रवेश है लेखपाल की, उस क्लास को प्लीज़ लीजिए, और जो भी क्लास को लेता है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट तो आप कर सकते हो कि सर अच्छी है, नहीं अच्छी है, आपने अच्छा पढ़ाया, कुछ रिस्पॉन्स तो दिया करिए कि मतलब ठीक है देख लिए हटाओ,
और ऐसा भी नहीं कर रहे हैं लाइक करिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल कमेंट कर दीजिए हाँ सर नाइस क्लास गुड क्लास या जो भी आपको मन करे। ओके मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद थैंक यू सो मच।